हेलो इंजीनियर्स, मैं सुशील कुमार सिंह कॉन्फिडेंस क्लस्टर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं इसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी SOM शॉर्ट में सॉम, सॉलिड मैकेनिक्स यानी SM या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी कि MOS, ये सब के सब एक ही नाम है। इसी सब्जेक्ट को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से के नाम से बुलाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम, सॉलिड मैकेनिक्स SOM, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड MOS, जिसको MOS भी कुछ लोग बोलते हैं। इसके अलावा ये सब्जेक्ट यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट को सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्रेडिट ज़्यादा रहता है, और CGPA सिस्टम में जहाँ जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट ज़्यादा होता है उसमें अच्छा स्कोर करने से आपका CGPA अच्छा होता है, इसलिए सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो गेट में पहले इस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज नहीं था, पर पिछले 3-4 साल से सिलेबस जैसे चेंज हो रहा है और पैटर्न जैसा चेंज हुआ है गेट का, तो इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, इसका वेटेज बहुत बढ़ गया है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी ईयर्स और आपका PSC जितना भी होता है स्टेट का उस सब में भी इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यदि पढ़ने की बात करें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा कुछ याद करना नहीं होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, कुछ सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, और उसी को यूज करते हुए आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट सॉल्व हो जाता है। 1 से 2 फॉर्मूला यदि याद होता है तो उस पर आप 100 अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इसलिए ये सब्जेक्ट काफ़ी मज़ेदार भी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी। हमारे इंजीनियरिंग लाइफ में इस सब्जेक्ट का क्या यूज है, ये जानने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्या मीनिंग है। देखिए, स्ट्रेंथ जो है वो एक जनरल टर्म नहीं है जो कि हम किसी चीज़ के लिए डिफाइन करें। स्ट्रेंथ एक प्रॉपर्टी है जो कि कई अलग अलग पैरामीटर पर डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और भी कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मान के चलिए ए है, उसको यदि कोई कुछ समझाता है तो एक ही बार में वो समझ जाता है, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, पर एक बार यदि कोई चीज़ पढ़ लिया तो उसको याद हो गया। तो याद रहना, मेमोराइज करना, ये इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। एक दूसरा आदमी है बी, वो किसी चीज़ को एक बार में नहीं समझ पाता है लेकिन वो काफ़ी मेहनती है, वो उसको बार बार पढ़ता है, बहुत परिश्रम करता है, तो परिश्रम करना इसके लिए स्ट्रेंथ हो सकती है। तो यदि जब मेहनत की बात आए तो बी ज़्यादा स्ट्रांग है, पर समझने की बात आए तो ए ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी तरह अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं जिसके आधार पर हम स्ट्रेंथ को डिफाइन करें। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए कोई टीम का, क्रिकेट टीम का कोई प्लेयर है, तो कोई ऐसा प्लेयर है जो कि काफ़ी अच्छा बैटिंग कर सकता है, मतलब कोई भी बॉल आया जब चाहे तब छक्का मार रहा है, बहुत बढ़िया बैटिंग करता है, तो बैटिंग उसके लिए स्ट्रेंथ हो सकती है, पर उसको बॉलिंग करना बिल्कुल नहीं आता है, तो बॉलिंग उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ बैटिंग है। कोई ऐसा प्लेयर है जो जिसके पास कोई भी बॉल आ गई तो वो छूटेगी नहीं, उसे वो पकड़ ही लेगा, कोई भी कैच आ गया वो कभी मिस नहीं कर सकता है, तो उसके लिए फील्डिंग उसकी स्ट्रेंथ होगी, उसको बैटिंग नहीं करना आता है। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा स्ट्रांग है या ये ज़्यादा स्ट्रांग है, अलग अलग पैरामीटर के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट स्ट्रांग या वीक हो सकता है। उसी तरह जब हम इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करें तो इंजीनियरिंग मटेरियल यदि हम सिविल इंजीनियर की बात करते हैं तो कॉलम या फिर बीम, ये हो सकता है ये मटेरियल इंजीनियरिंग मटेरियल। यदि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से देखें तो मशीन का कोई पार्ट, वो इंजीनियरिंग मटेरियल हो सकता है। तो उसी तरह इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए भी बहुत अलग अलग तरह के पैरामीटर होते हैं जिस पे स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। किसी एक पैरामीटर के लिए कोई मटेरियल स्ट्रांग हो सकता है, दूसरे पैरामीटर के लिए वो वीक भी हो सकता है। तो क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, देखिए जैसे मान के चलिए एक इस तरह का बीम है, 2 सपोर्ट लगा हुआ है, ऊपर से यदि हम इस पर लोड लगाते हैं तो लोड लगाने के कारण इस पर डिफ्लेक्शन होगा। अब ये डिफ्लेक्शन एक पैरामीटर हो सकता है जो स्ट्रेंथ को डिफाइन करे। यदि
ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो गया तो बोलेंगे वीक है, स्ट्रांग नहीं है, इसका स्ट्रेंथ कम है। यदि डिफ्लेक्शन कम होता है तो बोलते हैं स्ट्रेंथ ज़्यादा है। उसी प्रकार यदि हम इस तरह से एक्सियल फोर्स लगाते हैं तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा, ये छोटा हो जाएगा। तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ ये भी एक पैरामीटर हो सकता है जिस पे स्ट्रेंथ डिपेंड करे। यदि डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है तो बोलेंगे कि स्ट्रेंथ इसका कम है, यदि डिफ्लेक्शन कम हो रहा है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है। उसी तरह मान के चलिए इस पर जब हम फोर्स लगाते हैं, दो ऑब्जेक्ट है, एक पर फोर्स लगाए तो जल्दी टूट गया और दूसरे पर फोर्स लगाए तो नहीं टूटा, देर से टूटा। तो जो जल्दी टूट गया वो कम स्ट्रांग है, उसका स्ट्रेंथ कम है, जो देर से टूटता है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो अभी डिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हम फोर्स लगाए तो वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा कर रहा है पर टूट नहीं रहा है, टूट रहा है लेट से, और दूसरा डिफ्लेक्शन कम कर रहा है लेकिन टूट जल्दी जा रहा है। तो डिफ्लेक्शन की बात करें तो पहला ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो कम हो गया। उसी तरह यदि हम फेलियर की बात करें, टूटने की बात करें, तो पहला वीक हो जाएगा, दूसरा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरह के पैरामीटर हो सकते हैं, और भी बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं। जैसे यदि हम इस पर इस तरह से फोर्स लगाएं तो इसका शेप कितना चेंज होगा, ये एक अलग पैरामीटर हो सकता है। और क्या पैरामीटर हो सकता है, यदि हम इस पर इस तरह से फोर्स लगाएं तो ये बेंड कितना होगा, ये एक पैरामीटर हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग मटेरियल को, यानी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल मेंबर के स्ट्रेंथ को डिफाइन करे। और जिस सब्जेक्ट में इन सारे पैरामीटर की स्टडी करते हैं उस सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो फिर से स्ट्रेंथ कोई एक जेनेरिक टर्म नहीं है जिसके आधार पर हम किसी दो ऑब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रांग या कम स्ट्रांग बता सकते हैं। अलग अलग पैरामीटर होते हैं और वो पैरामीटर डिफाइन करती है कि उसके लिए कौन सा मटेरियल ज़्यादा स्ट्रांग है और कम स्ट्रांग है। और इन सारे पैरामीटर की जहाँ हम स्टडी करते हैं उस सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो जब यदि इसका नाम समझ में आ गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, तो एक रफ आइडिया लग गया होगा कि इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी बात कि यदि किसी भी वीडियो का आपको नोट्स लिखना है, हम जो पढ़ाते हैं वो नोट्स आपको चाहिए, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का एक लिंक दिया हुआ रहेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं जहां पर आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।